नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 30 अक्टूबर 2021 प्रातः 5:01 पर आकर्षण के कारक शुक्र, दाम्पत्य सुख के कारक, सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव के कारक, गीत संगीत कला के कारक ग्रह दैत्य गुरु अपनी वर्तमान वृश्चिक राशि को छोड़कर देव गुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि धनु राशि में शुक्र का यह गोचर 8 दिसंबर 2021 तक जारी रहेगा। प्रिय दर्शकों, देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र देखा जाए तो ये नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं, लेकिन देव गुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि में दैत्य गुरु उच्च के होते हैं, तो वहीं मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में भी ये जब स्थित होते हैं तो बेहद श्रेष्ठ फल प्रदायक होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यह गोचर मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, और उसी चंद्र राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। प्रिय दर्शकों, इस समय गोचर कुंडली में देखें तो देव गुरु बृहस्पति मकर राशि में है, और मकर राशि से ये भी परिवर्तित होंगे और परिवर्तित होकर के अब कुंभ में जाएंगे, लेकिन कुंभ में हो तो मकर में हो तो दोनों ही अवस्थाओं में शुक्र के साथ इनकी तात्कालिक मैत्री वाली स्थिति बनेगी। फलस्वरूप शुक्र का यह गोचर बेहद प्रभावशाली है और शुक्र का यह गोचर बेहद श्रेष्ठ फल प्रदायक भी। तो आइए हम जान लेते हैं प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं। बात करेंगे सबसे पहले राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से नवम भाव में होने जा रहा है, आपके भाग्य भाव में होने जा रहा है। अब देखिए तो शुक्र आपके लिए द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। धनेश का जाकर के भाग्य भाव से संबंध बनाना याद रखिएगा, ये चंद्र कुंडली है और चंद्र कुंडली के आधार पर मैं आपको आपकी राशिफल के बारे में बता रहा हूँ। तो शुक्र का आपकी राशि से द्वितीय और सप्तम पति बन करके भाग्य भाव में गोचर करना, इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि ये समय आपको भाग्य का संपूर्ण सुख प्रदान करने वाला होगा। कह सकते हैं आप कि आपको आपके प्रत्येक कार्य में सफलता दिलाने वाला होगा। वैसे तो शुक्र मुख्यतः ऐश्वर्य, वैभव, प्रेम इत्यादि के क्षेत्र में ही अपना संपूर्ण प्रभाव रखते हैं, लेकिन ये भाग्य भाव में हैं, फलतः सरकारी नौकरी इत्यादि के क्षेत्र में हैं तो वहाँ पर भी, या सरकारी नौकरी में हैं लेकिन आप संपूर्णतः पद आपको नहीं मिला तो वहाँ पर स्थायी लाभ की प्राप्ति आपको होगी। तो वहीं धार्मिक क्षेत्र में भी आपकी विशेष रुचि होगी और इस दौरान आप कई सारी धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, धर्म में आपकी आस्था बढ़ेगी। देखा जाए तो चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, समाज में किसी भी प्रकार से आप स्थापित हों, आप समझ लीजिए कि यह समय, यह अवसर उन्नति उत्पन्न करने वाला है। शत्रुवर्ग भी हारने वाला है। विशेषकर यह समय धन संचित कराने वाला है और हर प्रकार का सुख प्रदान कराने वाला है। यहाँ तक कि शत्रुओं से भी लाभ आपको मिले तो संशय नहीं। शुक्र की दृष्टि पूर्णतः तृतीय भाव पर है, सो आपके पराक्रम में वृद्धि, विशेषकर स्त्री मित्र का सहयोग आपको प्राप्त होगा, नए मित्र बनेंगे और पुरुषार्थ में भी आपके अद्भुत वृद्धि होने वाली है। धनागमन, धन संचयन दोनों ही दिखाई पड़ रहा है। अभी तक अविवाहित हैं तो विवाह के क्षेत्र में सफलता और प्रेम के क्षेत्र में भी सफलता प्रदायक बनने वाला है यह समय। स्त्री जाति का विशेष रूप से अगर आप पुरुष हैं तो ख्याल रखिए, और पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा अगर विशेषकर वो मधुमेह से पीड़ित हैं। तो मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर मैं कह सकता हूं अत्यंत श्रेष्ठ होने जा रहा है। हर प्रकार से बढ़िया, केवल और केवल लाभ ही लाभ। इस समय का आप लाभ उठाइए और कोई विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं, पर फिर भी अगर आप उपाय करना चाहें तो देवी के मंदिर में जाइए, जाकर के दर्शन भर करिए शुक्रवार के शुक्रवार, उसी से आपको लाभ मिलेगा। और वृषभ की हम बात करें तो यह गोचर अष्टम में है, अष्टम में शुक्र की उपस्थिति को, वैसे तो ये गुरु की राशि में है सो है अत्यंत श्रेष्ठ, परंतु अष्टम में इनकी उपस्थिति को मैं कुछ मामलों में कष्ट प्रदायी मानूंगा। पहला तो ये है कि आपके कार्यों में थोड़ी बाधा उत्पन्न करेंगे, विलंब होगा, स्वास्थ्य में परेशानी की संभावना बनेगी। अगर मधुमेह की स्थिति को देखें तो बढ़ जाना, पेट से संबंधित परेशानी, खान पान अनियंत्रित होने के कारण एक से अधिक रोगों का शरीर में प्रवेश हो जाना ये दिखाई पड़ रहा है। हालांकि विद्यार्थी हैं आप तो विद्या के क्षेत्र में उन्नति साफ साफ दिखाई पड़ रही है। संचित धन में ये शुक्र वृद्धि कराने वाले हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। कुटुंब का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। मैं आपको आपके भाग्य के मामले में भी कमजोर नहीं देख रहा हूं। हां, जैसे मेष राशि को आसानी से सब मिल रहा था वैसे वृषभ को भी मिलेगा, लेकिन पुरुषार्थ थोड़ा अधिक करना पड़ेगा, प्रयत्न थोड़ा अधिक करना पड़ेगा और जितना आप परिश्रम करेंगे उसी के अनुसार ही आपको सफलता मिलने वाली है। भोग विलास की सामग्रियों में वृद्धि और इन पर व्यय भी, या यूं कहें कि अपव्यय भी बढ़ने वाला है। तो वहीं सरकारी कार्य क्षेत्र में अगर आप जुड़े हैं, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं, सफलता मिलेगी। राजकीय क्षेत्र से यानी सरकारी क्षेत्र से धन प्राप्ति के विशेष योग हैं। और पिता के साथ अगर आप व्यापार करते हैं या किसी पार्टनरशिप में भी अगर आप व्यापार करते हैं तो यहाँ धन प्राप्ति की स्थिति है, परंतु अपव्यय की संभावना भी है। स्वास्थ्य में परेशानी की स्थिति साफ साफ दिखाई पड़ रही है। आपको अपने स्वास्थ्य का पूरी तरह से ख्याल रखना है। अगर स्वास्थ्य आपका ठीक रह जाए तो समझ लीजिए कि शुक्र का यह गोचर कहीं कोई दिक्कत नहीं देने वाला। विशेष करके धन संचयन के मामले में, पारिवारिक सुख के मामले में, पारिवारिक सहयोग के मामले में तो यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होगा। तो वृषभ राशि के जातक केवल सावधानी थोड़ी बरतें और इस गोचर का पूरी तरह से आनंद लें। और साथ ही साथ उपाय के तौर पर आप श्री सूक्त का पाठ हो सके तो रोज 3 बार, क्योंकि धन संचित होने वाला है तो रोज 3 बार नहीं, शुक्रवार 3 पाठ तो अवश्य ही करिए। और मिथुन की हम बात करें तो सप्तम का यह गोचर गुरु की राशि में, इसमें थोड़ी परेशानियां दाम्पत्य में आती हैं। ये दाम्पत्य जीवन में थोड़ा कलह ले आ देता है, कटुता। विशेष करके पुरुषों के लिए अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं भटकाव की स्थिति ला देता है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी होती है। और वहीं शुक्र को अगर देखें तो व्ययपति बनकर के जाकर के सप्तम में बैठे हैं। प्रेम संबंध में मतभेद, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावना और साथ ही साथ कुछ गुप्त रोग यानी जननेंद्रिय से संबंधित रोग की भी आशंका बनी रहती है। तो सावधानी जरूरी है मिथुन राशि के जातकों के लिए। परिश्रम अगर करते हैं तो व्यवसाय में जबरदस्त सफलता की स्थिति है। अपने विपरीत से विवाद की प्रबल संभावना है, तो जरा विपरीत से सतर्क और संभल करके रहिए, विपरीत का सम्मान करिए। हालांकि लग्न पर शुक्र की दृष्टि होने के कारण यानी चंद्र कुंडली के आधार पर देखें तो आपके लग्न पर, आपके व्यक्तित्व पर शुक्र की दृष्टि होगी। और मिथुन वालों के लिए शुक्र सर्वाधिक योग कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि ये व्ययपति और पंचमपति बनते हैं। फलस्वरूप आपके बुद्धि, आपके ज्ञान, आपके सौंदर्य में निखार साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। धनागमन खूब होगा, धन व्यय भी खूब करेंगे आप। भूमि भवन वाहन यानी जहां से सुख मिल सके, भौतिक सुखों पर व्यय कहूं या अपव्यय कहूं, खूब करेंगे। पिता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। और अपने बच्चों पर, अगर घर में छोटे बच्चे हैं आपके, तो उनके ऊपर विशेष रूप से आपकी निगाह होनी चाहिए। उनके जीवन काल में भटकाव की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। अगर विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के भी जीवन में मैं भटकाव की संभावना देख रहा हूं। तो मैं कहना चाहूंगा मिथुन राशि के जातकों के लिए कि सबसे पहले तो आपको अपने चरित्र पर नियंत्रण रखना होगा, खान पान पर भी ध्यान रखिएगा और अपने विपरीत का सम्मान करिएगा। साथ ही साथ देवी सूक्त का पाठ या श्रवण रोज करिए। इस गोचर के दौरान आपको बहुत लाभ मिलेगा। कर्क के लिए यह गोचर षष्ठ में है। शुक्र षष्ठ में अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक बनते हैं। जैसे 12वें में अति विशिष्ट कारक हैं राशि से, वैसे ही षष्ठ में भी अति विशिष्ट कारक हैं, परंतु शुक्र आपके लिए सर्वाधिक कारक ग्रह नहीं है। ये आपके लिए अगर देखें तो लाभेश और सुखेश होकर के षष्ठ में गोचर करेंगे। तो कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जैसे धनागमन, अपने ऊपर खर्च होना, धनागमन की प्रबल संभावनाएं बन जाना। कहीं पैसा फंसा हुआ था तो वो मिले, एक्स्ट्रा धनागमन की संभावना। लेकिन क्या होगा, घर में कलह की स्थिति होगी, माँ के स्वास्थ्य में परेशानी की संभावना बनेगी। तो वहीं कहीं ना कहीं अगर आपके स्वास्थ्य में भी परेशानी की दृष्टिकोण से देखें तो गुरु की राशि में बैठे हैं। शुक्र कौन है? शुक्र भोग है और गुरु देवगुरु। सीधी सी बात है, उन्हें गुरु देवगुरु की संज्ञा इसलिए प्राप्त है कि वो पूरी तरह सात्विक हैं। या राजसी स्थिति में भी उनको देखते हैं, तब भी शुक्र का उनके साथ जुड़ जाना ये पहली बात कहता है कि अपने खान पान पर आप नियंत्रण रखिए। भोग पर नियंत्रण अति आवश्यक है, नहीं तो रोग प्रबल होने वाला है। तो इस गोचर काल के दौरान अगर सबसे बड़ी समस्या है तो वो यही है कि भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ेगा। तो वहीं मित्रों से, भाई बंधुओं से भी वे मनस्यता की स्तुति, शत्रुओं में वृद्धि, क्योंकि ये शुभ ग्रह हैं और षष्ठ में गोचर करना शत्रुओं में वृद्धि का कारण बनेगा। हालांकि आप समझदारी से व्यापार इत्यादि का काम करते हैं तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि आपको लाभ मिलेगा, पर फिर भी मित्रों का आपके से जलन होना, परस्पर आपसे प्रतिस्पर्धा रखना, आपसे वैचारिक मतभेद करना, ये होगा। मैं कहूँगा कि शुक्र की दृष्टि 12वें पर है, सो अपने काम से काम रखें, अपने लिए यात्रा कर सकते हैं, बड़ी यात्रा कर सकते हैं, कार्य की अधिकता होगी और आपके लिए कार्य लाभप्रद होगा। यात्रा सतर्क होकर के करिएगा, स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए, जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा कि क्योंकि दाम्पत्य जीवन में भी ये कलह की स्थिति कई बार बढ़ा देते हैं। तो कर्क राशि के जातकों को मैं विशेष रूप से शारीरिक मामले में सतर्क करना चाहता हूं, बाकी किसी मामले में कोई दिक्कत नहीं। धन को लेकर के कहीं कोई चिंता नहीं, कार्य क्षेत्र को लेकर के कोई विशेष चिंता नहीं, स्वास्थ्य संभाल लिया तो आपका सब कुछ ठीक है। गुलाब का पुष्प ले जाकर के शुक्रवार के दिन माँ भगवती जगतजननी जगदम्बा को अर्पित करिए, इससे फायदा मिलेगा। और सिंह के लिए गोचर पंचम में है, शुक्र का पंचम में होना बढ़िया है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। आपके पराक्रमेश आपकी राशि से और आपके कर्मेश बनकर के आपकी राशि से इनका पंचम भाव में उपस्थित होना बढ़िया है। इस अवधि में कई तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, विशेष करके कला के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत बढ़िया माना गया है। विद्या के क्षेत्र से अगर देखें विद्यार्थियों के लिए तो बहुत बढ़िया। संतान सुख, घर में लक्ष्मी का आगमन होना, यहाँ लक्ष्मी यानी संतान के रूप में लक्ष्मी का आगमन मैंने कहा है। स्वादिष्ट व्यंजनों की प्राप्ति होना, नवीन नूतन वस्त्र आभूषण की प्राप्ति होना, आपके धनधान्य में वृद्धि होना, व्यवसाय में वृद्धि होना, आय में आपकी वृद्धि होना, वाणी विद्या के प्रभाव से समाज में मान सम्मान में वृद्धि होना, दाम्पत्य जीवन में सुख सम्मान बढ़ना, यानी एक तरह से देखा जाए तो बेहद सुखद आमोद प्रमोद में ही यह समय व्यतीत होता है। विद्यार्थियों की विद्या के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होती है। अगर कोई विभागीय परीक्षा है वहाँ आपको सफलता मिलेगी। देखा जाए तो शुक्र का आपकी राशि से दशमेश और पराक्रमेश बनकर के ज्ञान में जाना, कोई विभागीय परीक्षा है तो निस्संदेह ये सफलता दिलाने वाला है। हाँ, प्रेम के क्षेत्र में कई बार ये गलत फहमी उत्पन्न होगा करेगा, फलस्वरूप हो सकता है थोड़ी कटुता मतभेद आए, लेकिन आप संभाल लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और कुछ मामलों में संतान से भी मतभेद कराता है। तो शुक्र का पंचम में गोचर संतान को लेकर के और दाम्पत्य प्रेमी को लेकर के सतर्क आप रहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। खान पान पर भी नियंत्रण रखिएगा। वैसे मैं बता दूं कि सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर हर प्रकार से उत्तम है। कोई उपाय की विशेष आवश्यकता आपको नहीं है। आप भी अगर चाहें तो श्री सूक्त का पाठ कर लें, यह गोचर और बढ़िया होगा आपके लिए। और कन्या के लिए यह गोचर चतुर्थ में होने जा रहा है। वैसे देखिए, चतुर्थ में किसी के लिए मैं कहा करता हूं कि गोचर बहुत अच्छा नहीं होता, परंतु फिर भी इस बार बात थोड़ी अलग है। गुरु की राशि में है ये शुक्र और इनकी यहाँ पर उपस्थिति, मैं आपके लिए कहूँगा कि हर प्रकार से आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि हेतु ही है। विशेष करके आपके भाग्येश और धनेश बनकर के चतुर्थ में इनका गोचर करना सभी प्रकार के सुखों में वृद्धि कराने वाला है। यह गोचर नए मित्र बनाएगा, पुराने मित्रों से मुलाकात कराएगा, समाज में मान सम्मान बढ़ाएगा। हालांकि आपको बता दूं कि आपकी छवि बिगड़ सकती है अगर आप चारित्रिक कमजोरी करें, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं। नए वाहन की प्राप्ति, शत्रुओं पर भी विजय की प्राप्ति कराने वाला है। एक तरह से देखा जाए तो यह गोचर परिवार के मध्य एकता ला देता है। घर में मेहमानों का आगमन होता है, घर का माहौल भी खुशियों भरा हो, कोई उत्सव मनाया जाए, यानी एक तरह से देखा जाए तो कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर उत्सव जैसा ही है। चूँकि शुक्र की दृष्टि दशम पर है, फलस्वरूप राजकीय धन कोष से धन की प्राप्ति हो, यानी सरकारी मदद आपको प्राप्त हो। सरकार से जुड़े हुए हैं आप, सरकारी नौकरी करते हैं तो विशेष रूप से आपको लाभ मिले। सामाजिक क्षेत्र में आपका विशेष पद बढ़े, प्रतिष्ठा की बढ़े। व्यवसायी हैं तो व्यवसाय में धन की विशेष प्राप्ति हो। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हर प्रकार से यह श्रेष्ठ अनुभूति कराने वाला है समय। बाकी देखा जाए तो कहीं कोई चिंता नहीं, भाग्य आपके साथ है। विशेषकर घर, गाड़ी, भूमि, भवन वाहन की अगर लेने की तैयारी में है, या कई दिनों से आपके मन में ऐसी विचारधारा चल रही थी कि मेरा अपना खुद का हो जाए सब, तो आपको बस प्रयत्न करना चाहिए। आपका ये काम निसंदेह शीघ्र ही बन जाएगा। तो कन्या राशि के जातक किसी तरह की चिंता न करें, इस समय का लाभ उठाएं। और कवच अर्गला की लकीर दुर्गा सप्तशती के प्रारंभ में है, इसका पाठ अगर आप करें विशेष करके शुक्रवार तो अत्यंत लाभ आपको मिलेगा। और तुला के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है, कहीं कोई संशय नहीं कि यह गोचर का आपकी राशि से पराक्रम में होना, आपके राशिपति बनकर के शुक्र पराक्रम में जब गोचर करेंगे, फलस्वरूप इस अवधि में जहाँ मित्रों की वृद्धि, वहीं आसपास पड़ोसी भी आपके मित्र बन जाएंगे। आपके कार्यों का कायल हर कोई होने वाला है, आपकी बातों को सभी मानेंगे, पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी और देखा जाए तो शत्रु भी आपके सम्मुख नतमस्तक होंगे। संचित धन में वृद्धि होने वाली है, भोग विलास की सामग्रियों में वृद्धि साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, भाई बहन का सुख विशेष रूप से प्राप्त होगा, तो वहीं विद्या के क्षेत्र में आपकी वृद्धि साफ साफ दिखाई पड़ रही है। यह गोचर तुला राशि के जातकों को हर प्रकार से भाग्य प्रदायक है। भाग्य भाव पर शुक्र की दृष्टि का होना भाग्य के मामले में अत्यंत धनी आपको बना देगा। भाग्य का पूर्ण सुख आपको प्राप्त होगा। भारे भाग्य के कारण आपके सारे काम बनने वाले हैं और जिस क्षेत्र में आप परिश्रम करते हैं वहां सफलता आपको मिलेगी। धर्म में रुचि का होना, धार्मिक यात्राएं होना, यानी मिलाजुला करके हर तरह से तुला राशि के जातक इस समय का लाभ उठाएं। तो वहीं विदेश से भी ये धन लाभ कराते हैं। आय में वृद्धि के एक से अधिक रास्ते ये खोल देंगे। तो विद्या, संतान, हर तरह से यह गोचर लाभप्रद है। यानी तुला राशि के जातक ये बात मान करके चलें कि यह गोचर केवल और केवल आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। कोई टेंशन नहीं, कोई उपाय की आवश्यकता नहीं। आप भी श्री सूक्त का पाठ करिए, बस सब तरफ से सब कुछ ठीक है। और बात वृश्चिक की करें तो द्वितीय भाव में शुक्र का गोचर, अगर आप सिंगर हैं, अगर आप गायक हैं, गायन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो कहना नहीं कि यह गोचर आपको मीडिया के जगत में, सिनेमा जगत में या गायन के फील्ड इत्यादि में जबरदस्त लाभ, जबरदस्त सफलता। और अभी तक अगर केवल आप काम कर रहे थे, आपको ब्रेक नहीं मिला था, नाम नहीं मिला था, तो नाम मिलेगा। धन भाव में शुक्र की ये उपस्थिति बहुत अच्छी है। बार बार धनागमन होना, धन संचय होना, कुटुंब के मध्य मांगलिक कार्य होना। अब जाहिर सी बात है, द्वितीय भाव में है तो विशेष भोजन की प्राप्ति कराना, आनंददायी भोजन, नए नए वस्त्र आभूषण की प्राप्ति कराना, मकान, वाहन इत्यादि की उसके सुखों में वृद्धि कराना। चूंकि शुक्र आपके लिए सप्तमेश और व्ययेश होकर के धन भाव में है तो खर्च खूब कराएंगे लेकिन धनागमन भी खूब होगा। माता पिता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा और अपव्यय से बचिएगा। विशेषकर मद्यपान, मांसाहार, विशेषकर मद्यपान सबसे ज़्यादा नुकसान इस दौरान मद्यपान से होता है, इससे बचिए। आयु इत्यादि में वृद्धि है। आयु को अब आप वृद्धि शब्द का मैंने जब इस्तेमाल किया तो निर्भर आपके ऊपर करता है। जैसा मैंने पहले ही कहा कि शराब से दूरी बना करके रखिए। यह समय हर प्रकार से आपको लाभ देने वाला है। धन धान्य में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। यूं समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा दोनों की कृपा आपके ऊपर है, तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। अब बहुत अधिक खान पान पर जो सुखों का समय इंसान आनंद खूब उठा ले तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। बाकी कोई चिंता नहीं है। और हाँ, दोनों के लिए, स्त्री पुरुष दोनों के लिए कहना चाहता हूँ, विपरीत का सम्मान करिए तो यह समय अति उत्तम हो जाएगा। वृश्चिक राशि के जातक इस गोचर काल के दौरान स्त्रियों का सम्मान भर करें, यही उपाय आपके लिए होगा। पुरुष हैं तो, और स्त्रियों को कहूँगा कि पुरुषों का, हालांकि ये शुक्र स्त्री कारक ही हैं तो स्त्रियों के लिए ही मुख्यतः मैं कहूँगा कि पुरुष स्त्रियों का विशेष रूप से ख्याल रखें। बाकी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कहीं कोई उपाय की आवश्यकता नहीं है। अगर हम वहीं धनु के लिए इस गोचर को देखें तो आपकी राशि पर यह गोचर होने जा रहा है। अब देखिए, मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि गुरु की राशि पर शुक्र का होना बहुत अच्छा है और गुरु के साथ तात्कालिक मित्रता में होना अत्यंत अच्छा है। शुक्र आपके लिए षष्ठेश और लाभेश बनकर के आपकी राशि पर गोचर करेंगे, तो थोड़ी सावधानी की भी आवश्यकता है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि इस गोचर काल के दौरान जो अच्छाइयाँ हैं उसे पहले सुनिए कि सभी प्रकार के भोग, सुख की वृद्धि, शारीरिक सौंदर्यता की वृद्धि, लेकिन इस पॉइंट पर मैं आगे चर्चा करूंगा। शारीरिक सौंदर्यता, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं की प्राप्ति, पराक्रम में वृद्धि, मित्रों की वृद्धि, भाई बंधुओं से भी कहीं ना कहीं सुख, सरकारी कार्यों में सफलता, पिता का भी लगभग सहयोग मिलता दिखाई पड़ रहा है। पिता को सुख मिलेगा। कार्यक्षेत्र में है तो उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। पदोन्नति, पद, मान, सम्मान में वृद्धि होगी। अब यहां रुकिए और इस बात को अब समझिए, शुक्र चूंकि आपके लिए षष्ठ भाव और षष्ठ से षष्ठ यानी लाभ भाव के स्वामी बनकर के लाभ आपके राशि पर गोचर करेंगे। फलतः यह गोचर आपके स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा कमी लाएगा, स्वास्थ्य में परेशानी बहुत बढ़ेगी। और शुक्र का आपकी राशि पर होना दुराचार की भावना, समझ रहे हैं, दुराचार, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इसको कह सकते हैं। घर में जीवन साथी है परंतु इसके बावजूद आपके मन में भटकाव होना, इस तरह की भावना उत्पन्न होगी। हालांकि व्यवसायियों के लिए समय बहुत बढ़िया है, तो वहीं आप अपने शौक, अपने ऊपर, सुगंधित द्रव्यों पर, सजावट पर खूब जमकर खर्च करेंगे। आय में कोई कमी नहीं देख रहा हूं मैं। स्वास्थ्य संभाल लीजिए, जीवन साथी या प्रेमी के प्रति ईमानदार हो जाइए, दुर्भावना मन से निकालिए, किसी भी तरह की दुर्भावना में मत फंसिए, तो यह समय केवल और केवल उत्तम सिद्ध होगा आपके लिए। तो 2-3 पॉइंटों का ख्याल रखना है, बाकी यह समय बढ़िया है। आपको भी देवी सूक्त का पाठ करना चाहिए, विशेष करके शुक्रवार यह गोचर अति उत्तम सिद्ध होगा आपके लिए। मकर के लिए अगर इस गोचर को देखें तो 12वें में होने जा रहा है और कह सकते हैं कि यह अवधि आपको हर प्रकार से लाभ, निसंदेह व्यय की अधिकता, लेकिन केवल और केवल लाभ। कुछ अच्छे और कुछ बड़े काम, कुछ ऐसे कार्यों में आपकी आप सहभागिता होगी जिसे हम सामाजिक कार्य कहते हैं। धार्मिक कार्यों में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, व्यय होगा आपका। शत्रुओं पर संपूर्ण विजय, तो वहीं विदेश से धनागमन, धन संचयन, कुटुंब का पूर्ण सुख, भाग्य में वृद्धि, कार्यक्षेत्र में सफलता के प्रबल योग। और वहीं अपने सुखों पर खर्च करेंगे, भोग विलास पर जमकर खर्च करेंगे। लेकिन मैं चूंकि धनागमन की प्रबल संभावना देख रहा हूं, नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, विद्यार्थी, हर किसी के लिए बढ़िया। प्रेमियों के लिए यह समय बहुत बढ़िया है। ऋण इत्यादि से परेशान थे तो मुक्ति की संभावना, हालांकि स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और विवाद से बचिएगा। विवाद से समस्या का समाधान नहीं होगा, उलझने बढ़ जाएंगी, तो आपको इस मामले में जरा सावधान रहना है। बाकी देखा जाए तो मकर राशि के जातकों को तो सोचना ही नहीं है, यह गोचर केवल और केवल आपके लिए उत्तम है। नौकरी में अगर ट्रांसफर के लिए भी सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए बेहद श्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। नई नौकरी या नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो भी यह समय आपके लिए अत्यंत उत्तम सिद्ध होने वाला है। क्या करें? कुछ नहीं करना, दुर्गा जी के मंदिर में जाकर के बस दर्शन करिए, फायदा इसी से मिलेगा। और कुंभ की बात करें तो यह गोचर लाभ में है, गुरु की राशि में शुक्र का गोचर और वो भी लाभ भाव में उपस्थिति। कह सकते हैं कि लाभ के दृष्टिकोण से यह समय विशेष धन प्रदायक बनेगा। शुक्र का सुखेश और भाग्येश बनकर के राशि से लाभस्थ होना, यह अवधि आय में वृद्धि, शरीर भी स्वस्थ क्योंकि रोग से रोग भाव, तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, भाग्य में आपकी वृद्धि, सभी कार्यों में सफलता, भाग्य के सहारे सभी कार्य बनना। स्त्री वर्ग का विशेष, अगर पुरुष हैं तो आपको सहयोग प्राप्त होना, वैसे स्त्रियों को भी स्त्री वर्ग से विशेष रूप से सहयोग प्राप्त होना। दाम्पत्य जीवन सुखमय, मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम के क्षेत्र में सफलता, विद्यार्थी हैं तो विद्या के क्षेत्र में विशेष सफलता। संगीत गायन के फील्ड से जुड़े हैं, कला के फील्ड से जुड़े हैं, यह समय अति उत्तम। यानी कह सकते हैं कि कुंभ राशि के जातक इस गोचर काल का केवल और केवल लाभ उठाएं, समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा अपनी बढ़ाएं। संतान के लिए यह समय आपके विशेष अनुकूल होगा। संतान से वैचारिक मतभेद है तो वो दूर हो जाएगा। प्रेमियों के लिए यह समय अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है। तो कुंभ राशि के जातक भी इस गोचर काल का केवल और केवल आनंद उठाएं। यह समय कहीं से भी किसी भी प्रकार से आपके लिए कष्टप्रद नहीं है। उपाय, कोई विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं, बस देवी सूक्त का पाठ या श्रवण करिए, लाभ मिलेगा। और मीन के लिए अगर इस गोचर को देखें तो शुक्र का राशि से देखा जाए तो दशमस्थ होना और गुरु की राशि में होना। वैसे देखा जाए तो शुक्र को दशम में बहुत बढ़िया नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि ये चतुर्थ में दिग्बली होते हैं और दशम में दिग्बल से सर्वथा विहीन, तो यहाँ पर इनका गोचर थोड़ी सी परेशानी। इस गोचर काल के दौरान कार्यस्थल पर भी कहीं ना कहीं विरोध, शत्रुओं का प्रबल हो जाना, स्वास्थ्य में भी थोड़ी अनुकूलता कम हो जाएगी। ससुराल पक्ष का विशेष रूप से आपके जीवन में हस्तक्षेप, आपके कार्यों में हस्तक्षेप होने लगेगा। फलस्वरूप दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं परेशानी आए। नौकरी में हानि की संभावना बन सकती है, नौकरी जाने की संभावना बन सकती है, तो वहीं उच्चाधिकारियों का साथ नहीं मिल पाएगा जैसा मिलना चाहिए। व्यवसायी है तो व्यवसाय में परेशानी, व्यवसाय में हानि, यानी सावधानी आवश्यक है। अब सवाल उठता है कि क्या कुछ भी अच्छा नहीं, थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मन तो अशांत रहेगा पर फिर भी अगर आप पुरुषार्थ करते हैं तो भवन वाहन से संबंधित सुख भी मिलेगा। समाज में विशेष रूप से मैं स्त्री पुरुष दोनों को कहना चाहता हूं, स्त्री वर्ग का विरोध आपको सहना पड़ेगा, तो इससे जरा सावधान रहिए। इससे कार्यक्षेत्र में प्रतिकूल स्थिति बन सकती है, तो आप इस पर जरा नियंत्रण रखिए और कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ही ना होने दें जिससे स्त्री वर्ग से मतभेद या परेशानी हो। तो मीन राशि के जातक इस गोचर काल के दौरान विशेष रूप से सतर्क और सावधान रहें ताकि यह समय शांति से निकल जाए। और उपाय के तौर पर आपको कुछ उपाय अवश्य करना है। पहले तो श्री सूक्त का पाठ करना है और किसी देवी मंदिर में नित्य जाकर के दर्शन करना है। किसी भी देवी मंदिर में घी का दान करिए शुक्रवार के दिन। तो ये तीनों उपाय आप करिए, इससे आपको राहत और फायदा अवश्य मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था शुक्र राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।